अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आयमा को डॉक्टर बनने का शौक़ है, इसलिए उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आयमा फैसला कर लेगी कि वो इंट्री टेस्ट दे कर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसके साथ तो पहले ही बुरा हो गया है, उसकी उस्मान जैसे इंसान से शादी कर दी। उस्मान आयमा को इसके वालदैन के पास लेकर आएगा और कहेगा कि अपनी बेटी को संभालें। इसकी माँ भी आयमा की कोई भी बात नहीं सुनेगी और उसे थप्पड़ तक मारेगी। आबदा बेगम अपने शोहर की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो आयमा की कोई भी बात नहीं सुनेगी। आयमा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाएगी। उस्मान की बातें सुनकर उसके मामू भी चुप करके खड़े होंगे। शांजे की माँ हमदान से शांजे के रिश्ते के बारे में जब हमदान से जिक्र करेगी तो हमदान सुनकर बहुत परेशान होगा। जिस तरह शांजे परेशान और उदास है, उसकी उदासी देखकर उसके वालदैन यही फैसला करेंगे कि इन दोनों की शादी जल्दी कर दी जाए। ये बात सुनकर शांजे बहुत खुश होगी। शांजे खुश होकर जब हमदान को फ़ोन करेगी तो उसे मालूम होगा कि हमदान इनकार कर चुका है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाएगी। शांजे का शक यकीन में बदल जाएगा कि हमदान की ज़िंदगी में वाकई ही कोई लड़की है, इसलिए वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है। शांजे की माँ गलत को सही और सही को गलत करना जानती है। वो शांजे से यही कहेगी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, वो हमदान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शांजे माँ की बात सुनकर खुश हो जाएगी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि हमदान शांजे से शादी करेगा या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।